तो चलिए जल्दी से पी लेते हैं, घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ और आप सब, बस आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है। तो और बताइए सब कैसे हैं आप सब, आप लोग की जो है वेलनेस जर्नी कैसी चल रही है, क्या क्या कर रहे हो नया, कुछ अपने से शेयर करो, बताओ, इंस्टाग्राम पे आओ, मेरे साथ बात करो, मुझे अच्छा लगेगा। आप सब में से कोई भी वहाँ, मतलब कुछ ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और सब ऑनलाइन रहते नहीं हैं, तो मैं ना ओपन करती हूँ लेकिन कोई मैसेज नहीं, कोई बात नहीं होती, तो फिर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। आप लोग आओगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा, सबसे बातें करने का कुछ मज़ा ही और होता है ना, कोशिश करेंगे लाइव सेशन भी करेंगे वहाँ पे, है ना। तो आप लोग आ जाओ सब जल्दी जल्दी से, बहुत सारी बातें करनी है मुझे, आप लोगों से जानना है कि आप अपने डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हो, क्या क्या निकाल रहे हो, क्या क्या मतलब कैसे कैसे कर रहे हो, वो सब जानने का बहुत मन करता है। ऐसे ना मैं बात कर रही हूँ, मेरा मन नहीं भरता है, मुझे आप सबसे डायरेक्ट बात करना है, सवालों का जवाब मुझे। अब आज तक आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना, दी आप ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, अब मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या अवॉइड कर रहे हो, सब कुछ जानना है मुझे, सब कुछ। तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, उसके बाद कभी लाइव सेशन भी करेंगे, आप लोगों से बात करूँगी मैं, ठीक है। तो चलो पहले का ये पी लो, फिर ना मुझे एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा बाहर का है, जो मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या करने वाली हूँ मैं। तो गाइस आज ना तमन्ना सुबह सुबह पापा के साथ गई है और गई थी, उठकर संडे है तो उसका मन था बाहर का कुछ खाने का, तो वो लेकर आई है पूरी भाजी, और उसके पापा ने अमन तो चला गया ट्यूशन, लेकिन उसके पापा ने मेरे लिए भी भिजवा दिया आज, और स्ट्रिक्टली बोला है कि मम्मा को बोलना कि आज एटलीस्ट कम से कम खा ले, क्योंकि रोज़ तो डाइट कर रही है, कभी कभी खाना भी चाहिए, ठीक है। तो बस ये है मेरा नाश्ता, ये है इसमें अचार और कुछ ऑनियंस भी हैं और मिर्ची, ऑनियंस तो मेरा फेवरेट है, बट जो है ना ऑनियन खाने से ही मुझे तकलीफ हो जाती है, शुरू हो जाती है, तो वो भी सोच समझ के ही खाना पड़ेगा मुझे, देखती हूँ अगर मन किया तो, ठीक है। और साथ में मैं ना जलेबी पसंद करती हूँ, तो मेरे लिए जलेबी भी लेके आए, तो गाइस सोचिए मतलब ना दिल से अगर हस्बैंड बोले तो क्या मना कर सकते हैं ना, तो अभी वही मैं खा लूँगी आज मतलब बहुत टाइम के बाद, मैं ना जी भर के मतलब थोड़ा सा, आज संडे है, नाश्ता कर लूँगी और कल जो रहेगा ना कल पूरा दिन मैं डिटॉक्स कर लूँगी अपनी बॉडी को, इसीलिए ना मैं कल क्या की थी मैंने, पिछला जो कल गया मैंने ना अपने बॉडी में सॉल्ट का इंटेक कम किया, बहुत ज़्यादा रिच खाना नहीं खाया, ताकि आज के दिन मैं थोड़ा बहुत चीट कर सकूं, एंड कल जो आएगा मंडे, कल ना मैं कोशिश करूंगी डिटॉक्स करने के लिए पूरी बॉडी को, कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है, उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए खा लेती हूँ, बहुत मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि जब आप बोलते ना प्यासा को पानी दिखाओ तो वो तरस जाता है, तो वैसे मैं फूडी हूँ बट तो गाइस फाइनली सारा घर का काम हो चुका है, अब हम लोग लंच कर रहे हैं, बच्चे भी लंच कर रहे हैं। तो आज ना हमने बनाया है अंडे का बिरयानी बनाया है, मतलब पुलाव जैसे ही बनाया था और नॉर्मली सिंपली, और ये तमन्ना खाना खा रही है, अमन खाना खा रहा है, और ये है मेरा प्यारा सरायता, टेस्टी सरायता। तो चलिए गाइस आज थोड़ा सा चीट डे है मेरा, तो चलिए चीट डे मिल खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। टाइम के बाद आज मैं खा रही हूँ अपना बिरयानी खा रही हूँ, बहुत बहुत मन कर रहा था सब, और हस्बैंड की फरमाइश से बनी है कि आज अंडे का बिरयानी बनाओ, बहुत टाइम हो गया आपने बनाया नहीं, तो बस वही बनाई थी, जस्ट वही खाने जा रही हूँ, चलिए खा लेते हैं।
फिर शाम को बच्चों को लेकर थोड़ा सा मैं जू भी जाए थी, क्योंकि बच्चे भी बोर हो रहे थे और उसके पापा भी घर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो मेरे बच्चों को मैं थोड़ा घुमा कर लेकर आती हूँ। तो अभी बस जू में आ गई हूँ और अमन को दिलाने वाली हूँ भुट्टा। तमन्ना को भुट्टा पसंद नहीं है, वो नहीं खा रही है, तो बस आगे बने रहिए। इतना प्यारा मौसम है ना, बहुत टाइम के बाद ना चौपाटी आई हूँ। अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफ में इतनी बिजी हो गई ना, अपना जू है ना मतलब 10 मिनट की दूरी पे अपने घर से है, जू के करीब ही रहती हूँ मैं, पर जू आने का टाइम ही नहीं मिलता है। चाहूँ तो मॉर्निंग में आके यहाँ पे वॉक कर सकती हूँ, बट टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। सुबह का टाइमिंग जो रहता है काम का रहता है, बिजी का रहता है, तो और फिर सो मतलब नींद रात को आती नहीं, तो सुबह आँख नहीं खुलती, तब मन को स्कूल भेजने के बाद सो ही जाती हूँ। तो नज़दीक जू होने के बावजूद भी मैं नहीं आ पाती हूँ, बट सही में व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ा जल्दी आती ना तो नज़ारा और अच्छा दिखता। वाओ पानी का वो आ रहा है ना, वाओ आगे जाऊंगी तो पैर भीगेगा ना। नहीं नहीं पैर खराब होगा, शूज खराब होगा, सही बात है ना, पानी लेकिन पीछे गया ऐसा लग रहा है ना। अभी धीरे धीरे देखो एक एक लहर आ गया, आ गया। हाँ रात तक तो भर भी जाएगा, पूरा वहां तक भरेगा पता। कितने लोग आधी रात को नहा भी रहे डूबते, देखो कितने लोग आधी रात को डूबते नहा, लोगों की भीड़ देखो। कैमरा में जितना भी नॉर्मल दिख रहा हो तो अच्छी क्वालिटी नहीं दिख रहा हो, लेकिन हम जो अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना, प्यारा व्यू है। समुंदर की लहरें फील करो यार, फील करो इतना, और बच्चे फील कर रहे हैं। वो आ नहीं रहे ना कैमरे में, वो देखो बच्चे, कुछ बच्चे तो इतने रात को भी उतर गए, ये देखो जिन्नात के बच्चे लग रहे हैं। वाओ यहाँ पे ना कुछ स्क्रीन क्या बोलते हैं इसको, वाटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, ये लगाया गया है टीवी के पास, इसके समुंदर के पास। ये तो हट रहे, ये ना लो तमन्ना को तो देखो, प्रॉपर बीच पे आ गए हम लोग, प्रॉपर बीच पे। अभी जाओ मोबाइल से तारों अमन वो स्क्रीन का कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, देखो तो दिख रहा है मोबाइल इसमें नहीं दिख रहा है, तो कैमरे में नहीं आ रहा है, गुड भाई बहन का शुरू हो गया दौड़ना भागना। ये लड़ाई किस बात की हो रही है, कुरकुरे की? मैं पीछे जा रही हूँ तुम्हारा पीछे, अरे मेरे सामने आ रहे हो, अरे अमन सब लोगों ने देखा तूने बहन को मारा, सब ने देख लिया अमन ने बहन को मारा है।
अच्छा भाई नहीं है, बुरा भाई है, बुरा भाई है, बैड भाई, बैड ब्रदर। किडनैप कर लिया इसको। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस बच्चों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत दौड़ भाग कर लिए। अभी निकलने लगे घर की तरफ हम लोग। लेकिन घर जाने से पहले मैं जाऊँगी शांतागो स्टेशन, कुछ सामान लेना है मुझे, और वो सामान लेने के बाद फिर मैं घर जा सकूँगी। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा। और हाँ, जाते जाते ना मैंने शांतागो में डोसा खाया था, जो मैं आप लोगों से छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने शो कर दिया है। हाफ ही डोसा खाया था, बच्चों को भी दिया था और मैंने भी लिया था। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।